हेलो गाइस, तो आज इस वीडियो के अंदर आज हम बात करेंगे वी स्मार्ट जॉय 3 प्लस अपडेट के बारे में, जो कि यहाँ पे एक पोर्ट रोम आती है रेडमी के नोट 5 प्रो डिवाइस के अंदर, और नेफ्रॉन डेवलपर की ओर से हमें ये जो रोम देखने को मिलती है काफी अच्छी ऑप्टिमाइजेशन की है इसके अंदर डेवलपर ने, तो सभी चीजों के बारे में इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। तो यार वीडियो पूरा एंड तक वॉच करना, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी यहाँ पे जरूर से कर देना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जो है इसका लेआउट कुछ इस टाइप से देखने को मिलता है होम स्क्रीन का, थोड़ा सा इसको मैंने चेंज किया, इसका ग्रिड जो 5x5 यहाँ पे मैंने सेट कर रखा है। देन आपको लेफ्ट साइड में देखने को मिलता है गूगल कार्ड्स, और यहाँ पे आपको रीसेंट पैनल वगैरह आपको मैं दिखा देता हूँ, कुछ इस टाइप से रीसेंट पैनल देखने को मिलता है। यहाँ पे क्लोज ऑल का बटन है, ऊपर आपको एक आइकॉन देखने को मिल जाता है। देन स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन आपको इसके ऊपर ही देखने को मिलता है, जो कि कुछ इस टाइप से आपका वर्किंग रहता है। सो इस टाइप से आप इसका बेनिफिट ले सकते हो, और काफी सारे फीचर्स और भी मिलते हैं इसके अंदर। एंड जो ये रोम है आपको काफी स्मूथ मिलती है, आप यहाँ पे देख सकते हो काफी स्मूथ आपको यूआई देखने को मिलती है इस रोम की, कोई भी लैग स्टटर वगैरह आपको फेस करना नहीं पड़ेगा। ऐप ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्पीड आप यहाँ पे देख सकते हो, और सभी आपको एंड्रॉयड 10 के फीचर्स देखने को मिलते हैं। सेम एनिमेशंस आपको सभी देखने को मिलते हैं कुछ इस टाइप से आप देख सकते हो, और जो है रैम मैनेजमेंट काफी अच्छा है इस रोम का, काफी अच्छे से आपको वर्किंग ये रोम देखने को मिल जाती है। एंड ये जो पिल है ये भी काफी अच्छे से यहाँ पे वर्क कर रही है। सो इस टाइप से आपको रीसेंट पैनल वगैरह देखने को मिल जाता है इस रोम का। फोन की बात करते हैं तो यहाँ पे VOS 3.0 आपको देखने को मिलता है। अभी बात करते हैं सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन की, तो ये जो आपको वर्जन मिलता है 3.0 एंड एंड्रॉइड 10 के ऊपर बेस्ड आपको रोम मिलती है। देन कुछ और चीजें हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, लाइक 1 अक्टूबर 2020 का आपको लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच लेवल मिलता है। देन गूगल प्ले सिस्टम अपडेट भी आपको लेटेस्ट ही देखने को मिलता है। एक्सटेंडेड V55 आपको कर्नल इसके अंदर देखने को मिलता है। देन बिल्ड नंबर आप यहां पे देख सकते हो, वॉरबीस आपको यहां पे ये भी प्रोवाइड किया है। तो इस अपडेट का जो आपको बिल्ड नंबर या बिल्ड नेम देखने को मिलता है वो वॉरबीस है, तो इस टाइप से आपको देखने को मिल जाती है ये रोम ओवरऑल। तो बाकी अभी ये बात कर लेते हैं सिस्टम की, तो सिस्टम के अंदर डेवलपर ऑप्शंस आप यहाँ पे इनेबल कर सकते हो, और कुछ भी यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा ऑप्शन नहीं मिलता। सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए अपडेटर मिलता है, बट ये आपके कोई भी काम नहीं आएगा। डिजिटल वेलबिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, और गूगल की ओर से आपको ये डिजिटल वेलबिंग यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। गेस्टेस के अंदर 3 बटन जो 3 फिंगर स्क्रीनशॉट है ये काफी अच्छे से वर्किंग है, कुछ ये ऑप्शंस आपको यहाँ पे नीचे और देखने को मिल जाते हैं। टैप टू वेक है ये आपका यहाँ पे वर्क नहीं करता, आपको मैं दिखा देता हूँ। डबल टैप टू वेक वगैरह आपका कोई भी गेस्चर यहाँ पे जो है वर्क नहीं करता, बट 3 फिंगर स्क्रीनशॉट काफी अच्छे से वर्किंग है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है असिस्टिव टच का, ये कुछ आपका इस टाइप से यहाँ पे वर्किंग रहता है, और आई थिंक ये काफी अच्छा फीचर आपको लगने वाला है, और इस टाइप से आपको लेआउट यहाँ पे देखने को मिल जाता है इस असिस्टिव टच का। इसको आप यहाँ पे कहीं भी ले जा सकते हो, लेफ्ट या राइट साइड में ऊपर नीचे कहीं भी कर सकते हो। तो ये एक अच्छा फीचर आपको इस रोम के अंदर देखने को मिल जाता है। बाकी फीचर्स के ऊपर भी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, लाइक कनेक्शन का आपको ऑप्शन देखने को मिलता है। देन सेलुलर का, यहाँ से आप मोबाइल नेटवर्क को अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट वगैरह कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंगली यहां से सेट वगैरह कर सकते हो सिम कार्ड को, और ये सब चीजें आपको मिल जाती है। देन वाईफाई प्लस हॉटस्पॉट आपका काफी अच्छे से वर्क करता है, मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये है वाईफाई, ये रहा हमारा हॉटस्पॉट, दोनों काफी अच्छे से साइमल्टेनियसली वर्क कर रहे हैं, मोबाइल डेटा काफी अच्छे से वर्क कर रहा है। डिस्प्ले की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको एडैप्टिव ब्राइटनेस वर्किंग मिल जाता है, डार्क थीम मिल जाता है जो कि काफी अच्छे से यहाँ पे वर्क करता है, और उसके बाद नाइट लाइट भी आपका यहाँ पे काफी अच्छे से वर्किंग रहता है। स्क्रीन टाइम आउट का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके बाद लॉक स्क्रीन डिस्प्ले के अंदर भी आपको काफी सारे ऑप्शंस मिलते हैं। नेविगेशन बार को आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, इनेबल कर सकते हो, या आप 3 फिंगर जो है नेविगेशन है उसके ऊपर भी स्विच कर सकते हो, और यहाँ पे स्वैप का भी आपको ऑप्शन नीचे मिल जाता है, अगर आपको करना हो तो वो भी आप कर सकते हो। वॉलपेपर के अंदर आपको वॉलपेपर्स काफी अच्छे मिल जाते हैं, कुछ इस टाइप से आपको यहाँ पे वॉलपेपर्स मिल जाते हैं। देन लाइव वॉलपेपर का भी आपको एक सेक्शन देखने को मिलता है, बट यहाँ पे कोई भी अभी तक आपको वॉलपेपर नहीं देखने को मिलता। होम स्क्रीन के रिलेटेड आप यहाँ पे कुछ ऑप्शंस इनेबल कर सकते हो, ट्रांजिशन इफेक्ट को सेट कर सकते हो, ग्रिड को यहाँ पे चेंज कर सकते हो, लाइक 5x5 मैंने यहाँ पे इनेबल कर रखा है, आप अप टू 5x6 आपको यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल जाता है। उसके बाद अगर और कुछ चीजों की बात करें तो होम लेआउट भी चेंज कर सकते हो कुछ इस टाइप से, और ऐप ड्रॉअर को इनेबल वगैरह आप कर सकते हो। सो इतने सारे फीचर्स आपको डिस्प्ले के अंदर यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं।
साउंड का पैनल आपको मैं चेक करवा देता हूँ। कुछ इस टाइप से साउंड का पैनल देखने को मिलता है। यहाँ पे वाइब्रेट साइलेंट का ऑप्शन है, टच वाइब्रेशन को इनेबल कर सकते हो, रिंगटोन को चेंज कर सकते हो, डिफॉल्ट आपको वन प्लस टोन यहाँ पे देखने को मिलती है। नोटिफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे DND का ऑप्शन आपको ऊपर मिल जाता है और आप अपने अकॉर्डिंगली नोटिफिकेशन को ऑन ऑफ कर सकते हो। सिक्योरिटी के अंदर आपको ये कुछ ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको सभी ऑलमोस्ट फीचर्स वही सेम देखने को मिलेंगे। बैटरी का इंटरफेस कुछ आपको इस टाइप से देखने को मिलता है। यहाँ से बैटरी परसेंटेज को आप शो कर सकते हो, यूसेज को आप यहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड बैटरी बैकअप आपका ऑलमोस्ट 6 to 7 hours का स्क्रीन ऑन टाइम आपको इजिली मिल जाएगा। एप्लीकेशन के अंदर आपको यहाँ पे स्क्रीन टाइम भी देखने को मिलता है, जो कि कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलता है और काफी अच्छा आपको UI यहाँ पे भी प्रोवाइड किया है। डिफॉल्ट ऐप्स यहाँ पे आप जो है अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हो, ब्राउजर ऐप वगैरह कुछ भी यहाँ से चेंज कर सकते हो और इतने फीचर्स आपको यहाँ पे इस रोम के अंदर मिल जाते हैं। बाकी आप चेकआउट कर सकते हो यहाँ पे। अब बात करते हैं यहाँ पे फिंगरप्रिंट की, और यहाँ पे सिर्फ आपको एक फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है सिक्योरिटी के अंदर, और फेस अनलॉक आपका इस रोम के अंदर डेड है। तो मैं आपको यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैनर दिखा देता हूँ। कुछ इस टाइप से आपका वर्किंग फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है और काफी एक्यूरेटली वर्क करता है, हालांकि थोड़ा सा स्लो है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपका ये अनलॉक हो जाता है, कोई भी आपको इशू नहीं आएगा। और वाइब्रेशन भी आपको एक फील होता है जब आप यहाँ पे अनलॉक करते हो तो। और अब यहाँ पे कुछ और फीचर्स की बात करते हैं। यहाँ पे आपको डुअल एप्स का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंगली अपने जो है एप्स को क्लोन कर सकते हो। ये ऑप्शन मिलता है और काफी अच्छे से वर्क करता है। बाकी वी स्मार्ट के आपको काफी सारे एप्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं, फाइल MFM वगैरह के, और गैलरी भी मिल जाती है, और गैलरी का कुछ लेआउट इस टाइप से आपको देखने को मिलता है। एल्बम्स वीडियोस वगैरह का आपको कुछ इस टाइप से इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिल जाता है, और बाकी सारे फीचर्स आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे सेम देखने को मिलते हैं। और ये लॉन्चर आपको कुछ इस टाइप से यहाँ पे दिया गया है। इस रोम की परफॉर्मेंस की तो आपको मैं Antutu बेंचमार्क इसका जो है दिखा देता हूँ। इसके डिफॉल्ट कर्नल के ऊपर 150,000 से अबव आपको इसका स्कोर देखने को मिलता है, काफी अच्छा स्कोर है। पोर्ट रोम है और काफी अच्छा स्कोर आपको इसके जो है डिफॉल्ट कर्नल के ऊपर मिल जाता है। पबजी वगैरह खेल सकते हो, बट हार्डकोर गेमर हो तो यहाँ पे आपको पबजी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। पबजी के लिए आप कोई और रोम ट्राई कर सकते हो, ये आपको पबजी के लिए नहीं है। ये आपको एक फीचर वाली रोम देखने को मिल जाती है, काफी सारे फीचर्स मिलते हैं लाइक MIUI, और अगर आप डिफरेंट UI ट्राई करना चाहते तो ये रोम जरूर से एक बार चेकआउट कर सकते हो। बाकी आपको ऑलमोस्ट सभी फीचर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। आते हैं इसके स्टॉक कैमरा के ऊपर। यहाँ पे आपको कैमरा गो मिलता है जो कि लाइटर वर्जन है। यहाँ पे GCam 7.4 या कोई भी GCam हो उसका लाइटर वर्जन आपको देखने को मिलता है। वीडियो वगैरह के आपको काफी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, बट GCam 7.4 हम एक बार चेकआउट कर लेते हैं कि वर्किंग है या नहीं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कैमरा यहाँ पे काफी अच्छे से वर्क कर रहा है। वीडियो मोड भी यहाँ पे काफी अच्छे से आई थिंक वर्किंग है, सो ये भी यहाँ पे काफी अच्छे से वर्क कर रहा है। उसके बाद TR कैमरा की बात करते हैं, तो TR कैमरा भी मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर रखा है, ये भी काफी अच्छे से यहाँ पे वर्क करेगा क्योंकि ये बेस्ड है 7.2 के अंदर और ये ऑलमोस्ट सभी रोम्स के अंदर यहाँ पे वर्किंग रहता है। सो सभी कैमराज आपके फ्लॉलेसली यहाँ पे वर्क करते हैं। नाउ बैंकिंग एप्स की बात करते हैं, तो ये जो रोम आपको रूटेड नहीं मिलती, आप रूट कर सकते हो और रूट करोगे फिर भी आपका बैंकिंग एप्स वगैरह काफी अच्छे से वर्क करेंगे, और अदरवाइज नॉन रूटेड के ऊपर भी यहाँ पे वर्क करेंगे। डिवाइस आपका सर्टिफाइड है, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है, एंड सेफ्टी नेट भी आपका यहाँ पे पास है, तो ये भी आपको एक एडिशनली बेनिफिट इस रोम का देखने को मिलता है। विद और विदाउट रूट दोनों तरीके से आप बैंकिंग एप्स यहाँ पे यूज कर सकते हो और सेफ रोम मिल जाती है। ग्राफिक्स आपको मैं बता देता हूँ, कोरियन वर्जन मैंने ट्राई किया है, एक्सट्रीम के ऊपर भी खेला है, तो आप यहाँ पे कर सकते हो, बट थोड़ा सा आपको हीटिंग इश्यू फेस करना पड़ सकता है, तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा आपको। अगर आप गेमर हो तो आप यहाँ पे इस रोम को मत ट्राई करना। अगर फीचर चाहिए तो आप डेफिनेटली एक न्यू UI को ट्राई कर सकते हो अपने डिवाइस के अंदर। बाकी यहाँ पे आपको स्मूथ प्लस हाई तक का फ्रेम रेट मिलता है, देन बैलेंस प्लस हाई और HD प्लस हाई का। डिफॉल्ट सेटिंग है 90 FPS तक अनलॉक कर सकते हो, उसके रिगार्डिंग वीडियो मैंने चैनल पे डाली हुई है, तो वो भी आप चेकआउट वगैरह कर सकते हो, बट थोड़ा सा आपको फ्रेम ड्रॉप्स देखने को मिलता है गेमिंग के अंदर, तो डेफिनेटली आपको ये गेमिंग रोम तो नहीं मिलने वाली। गाइस अब बात करते हैं इस रोम के फ्लैशिंग मेथड की। सबसे पहले आपको यहाँ पे आना है वाइप के अंदर और डेल्विक कैच सिस्टम वेंडर डेटा इन सबको जो है वाइप कर देना है। उसके बाद रोम की फाइल को फ्लैश करना है एंड रीबूट कर देना है। तो यहाँ पे आपका डिवाइस सक्सेसफुली इस रोम के ऊपर बूट हो जाएगा। कोई भी इशू आता है तो नीचे कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम में जरूर से ज्वाइन कर लेना, आपकी सभी क्वेरीज का आंसर यहाँ पे मोस्टली मैं आपको दे दूंगा।